तो कुछ दिन पहले नेटफ्लिक्स ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर के नाम से। वैसे तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखता नहीं हूँ, लेकिन बट ये स्पेशली रिकमेंड की गई है मुझे किसी की तरफ से, तो इसलिए देखने पड़े। बट देखने के बाद मुझे रिग्रेट नहीं हुआ, मुझे काफ़ी पसंद आई। 48 मिनट की थी और इसने जो अपने आप को रिप्रेजेंट किया है लोगों के सामने वो काफ़ी अच्छा लगा। जैसे पुराने ज़माने में शोज़ और प्लेस किए जाते थे कार्डबोर्ड से बने घर, और उनका जो विजुअल स्टाइल होता था उसे अपनाया इसने और अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। इस डॉक्यूमेंट्री में मेन लीड में बेनेडिक्ट कम्बरबैच को कास्ट किया गया है एज हेनरी शुगर, और जो कि मार्वल स्टूडियोज़ में डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल भी प्ले करते हैं। इनके अलावा कास्ट में हम बेन किंग्सली को एज इमदाद खान और डेव पटेल को एज डॉक्टर भी देख सकते हैं। मैं स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा, बस स्टोरी के बारे में छोटे में आपको समझा देता हूँ कि इमदाद खान जो कि रियल लाइफ में एक पाकिस्तानी आदमी होता है खुदाबख्श, वो अपनी आंखों से कुछ भी देख सकता है। बंद आंखों से वो किताब पढ़ सकता है। वो किसी पुराने एक हिंदू जो बाबे होते हैं वहाँ से वो ताकत लेता है। ये काफ़ी छोटे में समझा रहा हूँ, काफ़ी लंबी और अच्छी स्टोरी है। वहाँ से पावर लेता है, लेकिन उसके मरने के बाद एक ब्रिटिश आदमी होता है हेनरी शुगर, जिसे बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने प्ले किया है, तो वो बंदा उसके खुदाबख्श के ऊपर लिखी गई किताब से इंस्पायर होता है और उसकी जो टेक्निक वो अपनी किताब में बताता है वो उसे यूज़ करता है और अपने काम के लिए उसे यूज़ करता है। और 6-7 साल के बाद अपने आप में वो जब वो पावर देख लेता है, फिर वो सोचता है कि इस पावर के साथ मैं दुनिया को कुछ भला कर सकता हूँ या अच्छा कर सकता हूँ, तो वो काफ़ी अच्छा भी करता है, लेकिन जल्द ही मर जाता है 3-4 साल के बाद ही। और लेकिन उसका जो स्टार्ट किया हुआ काम होता है वो उसका जो हेल्पर होता है, जो उसका नौकर होता है, वो जारी रखता है। बाकी आप इसको अगर टाइम है आपके पास तो आप इसे लाजमी देखिए, इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।